हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कलाकंद की रेसिपी। आई एम श्योर ये कलाकंद की रेसिपी आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। ये थोड़ी सी न्यू है और सबसे हटकर है। आज की हमारी इस रेसिपी का नाम है मैंगो कलाकंद। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंगो कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, आम पापड़, विनेगर, चेरीज, दूध और छोटी इलायची। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में दूध गरम करने रख देंगे। दोस्तों, दूध गरम हो जाने के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है विनेगर, लेकिन विनेगर यहाँ पर हमें डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पानी में 2 चम्मच विनेगर घोल कर रखा है और इसी को हम 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों, पानी में घुला विनेगर 3 से 4 चम्मच ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि दूध पूरी तरह से नहीं फटेगा, पर थोड़े से दरदरे दाने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह कलाकंद में होते हैं। दोस्तों, अब इस दूध को हमें पकाते रहना है जब तक ये और भी गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची और चीनी। अब चीनी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे फिर से 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये दूध पूरी तरह सूख जाए और ये गाढ़ा सा बैटर बन जाए। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कटे हुए आम पापड़ के पीसेस। दोस्तों, यहाँ पर थोड़े आम पापड़ के पीसेस हम रख देंगे गार्निश करने के लिए और बाकी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस स्टेज में आम पापड़ ऐड करने से आम पापड़ इस कलाकंद में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मेल्ट होकर एक अच्छा सा आम का टेस्ट भी इस कलाकंद में आ जाएगा। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम घी से ग्रीस कर और बटर पेपर लगाकर एक बर्तन को रेडी कर लेंगे और इस ठंडे मिक्सचर को उसमें डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को स्पून या बटर नाइफ की हेल्प से अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब इस कलाकंद को ऊपर से सजा देंगे बचे हुए आम पापड़ के पीसेस और चेरी पीसेस के साथ और इसे रेफ्रिजरेटर में 1 घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद कलाकंद को फ्रिज से निकाल लेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसे अपने मनपसंद शेप में काट कर सर्व कर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैंगो कलाकंद बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करिएगा और सबके साथ एंजॉय करिएगा। फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।